हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल प्रैक्टिस सेट है और ये 15 प्रैक्टिस सेट है, और ये जो 25 प्रैक्टिस सेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी आज मैं आपको सेट 1 से सेट 5 कराऊंगी, और ये जो पांचों सेट है हर सेट में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये सीरीज पसंद आती है तो हम फिर ये कंटिन्यू अपने जो 25-30 सेट है वो कंप्लीट कर लेंगे, आपका करंट अफेयर सॉल्व हो जाएगा। मैं भी जो तैयार कर रही हूँ करंट अफेयर वन लाइनर पैक, वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो जो 8 है उससे करंट के जो भी क्वेश्चन आते हैं, करंट से आप ये समझ लीजिए 10 से 15 प्रश्न आना ही आना है, तो आपको ये बहुत अच्छे से कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ताकि जल्दी से क्वेश्चन हो जाएं। 2020-21-22 के लिए भारत का खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना मिलियन टन है? तो 2021-22 के लिए भारत का खाद्यान्न उत्पादन का जो लक्ष्य है वो कितना है? 307 मिलियन टन है। ये आप मेंस के लिए भी आप ये डाटा को याद कर सकते हैं, 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना है? 307 मिलियन टन है। मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल 2021 की विजेता कौन है? राशि परशुराम पुरिया। मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल 2021 के विजेता कौन है? राशि परशुराम पुरिया हैं। अगला है, किस देश ने भारत को गश्ती विमानों की बिक्री का प्रस्ताव दिया है? तो किस देश ने दिया है? अमेरिका ने। किस देश ने भारत को गश्ती विमानों का प्रस्ताव दिया है? अमेरिका ने। गोरिल्ला IUCN रेड सूची में किस श्रेणी में शामिल है? तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में शामिल है। गोरिल्ला IUCN की कौन सी सूची में शामिल है? क्रिटिकल इंडेंजर्ड। लेगमी ओमर त्यौहार किस देश में मनाया गया? तो लेगमी ओमर त्यौहार मनाया गया है इजराइल में। लेगमी ओमर त्यौहार कहाँ मनाया गया है? इजराइल में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के रोनी गोविंदर का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो वे लेखक थे। रोनी गोविंदर भारतीय मूल के थे और उनका निधन हो गया है, तो कौन थे रोनी गोविंदर? एक लेखक थे। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो G7 विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है हाल ही में वो ब्रिटेन में आयोजित की गई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या थी? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो था लगभग 180 देशों में ये इसका सूचकांक ये तैयार किया गया। 2021 की जो थीम थी वो थी सूचना से जन कल्याण। इसमें 142वां स्थान भारत को मिला और फर्स्ट स्थान नॉर्वे को मिला है। वैज्ञानिक द्वारा अब तक का सबसे हल्का यूरेनियम खोजा गया है उसका नाम क्या है? तो जो हल्का यूरेनियम खोजा गया है उसका नाम है यूरेनियम 214। याद रखिएगा कौन सा यूरेनियम वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में खोजा है और वो अब तक का सबसे हल्का यूरेनियम है, वो है यूरेनियम 214। खबरों में रहे IO64 दवा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो जो IO64 दवा है वो CCRAS के द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा? CCRAS के द्वारा विकसित की गई है। G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखो G7 किया गया है कहाँ पे? ब्रिटेन में, और G20 किया गया है इटली में। याद रखिएगा G7 ब्रिटेन में और G20 इटली में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की, फेसबुक ग्रुप की, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। इसकी PDF रुकमणी की PDF जो है कल या परसों में मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और आज ये हमारे व्हाट्सएप का जो पेड ग्रुप है जिसने हमारे प्री के टेस्ट सीरीज लिए है, प्री के नोट्स लिए हैं, उनको इसकी PDF मिल जाएगी। PDF से ज़्यादा आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, तो आप इसको सुन लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। किस शहर में COVID-19 से होने वाली मौत को रोकने के लिए मिशन सेव लाइव्स की शुरुआत की गई है? मुंबई में की गई है। मिशन सेव लाइव्स की शुरुआत कहाँ पे की गई है? मुंबई में। किस देश की टेनिस खिलाड़ी बारबोरा स्ट्राइकोवा ने संन्यास की घोषणा की? बारबोरा स्ट्राइकोवा है चेक गणराज्य की। कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। 12 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? कनाडा बना है। कौन सा बना है? कनाडा। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव किया गया है? बाल ठाकरे के नाम पे। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव किया है? बाल ठाकरे के। अगला है, COVID-19 के खिलाफ भारत में सहायता देने के लिए किस भारतीय अमेरिकी CEO ने ग्लोबल टास्क फोर्स की संचालन समिति को ज्वाइन किया है? किस भारतीय अमेरिकी CEO ने? तो ये तीनों ने ही ज्वाइन किया है, पुनीत रंजन, शांतनु नारायण, सुंदर पिचई। मियोकावाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महेश नगर। मियोकावाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया? महेश नगर। और ये जो मियोकावाड़ा या महेश नगर है ये राजस्थान का स्टेशन है।
कोविड-19 हेतु समर्पित मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 लॉन्च किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने की है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प किसने की है? हिमाचल ने की है, याद रखिएगा। वर्ष 2021 का लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? राफेल नडाल को मिला है। किसको मिला है? टेनिस खेलते हैं राफेल नडाल। दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान के लिए IT आर्ट ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये इंटरपोल ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, ये हमारा पहला सेट कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड सेट देखते हैं। ये फर्स्ट सेट में 20 क्वेश्चन थे, अब जो सेकंड सेट होगा वो सेकंड सेट में भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है फैट, जो हमारी इंस्टा मोजो है, मेरी प्ले स्टोर है, वहाँ से आप मेरी छोटी छोटी जो मेरी PDF बनाई गई है वो आप परचेस कर सकते हैं। एक पर्यावरण की मैंने बहुत ही बेहतरीन PDF बनाई है, उसमें आपको 540 प्रश्न है। 540 से एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं जाएगा। आप 1 से 1.5 घंटे में उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सरल भाषा में तैयार किया गया है। वो भी आप मेरे इंस्टा मोजो से या मेरी एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सअप करके भी उसको ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और ये सीरीज़ आपको अगर पसंद आती है रुकमणी की, तो रुकमणी के साथ हम दूसरी भी बुक्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी कर लेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा। ज़्यादा व्यूज़ आएंगे इस वीडियो पे तो मैं और ज़्यादा इसकी सीरीज़ बना पाऊँगी। माउंटेन बोंगो को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में शामिल किया गया? क्रिटिकल इंडेंजर्ड। WHO ने किस देश की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी? चीन की। WHO ने किस देश की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन है, वो है चीन को, उसको मंजूरी दे दी है। QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, रैंकिंग हासिल की है? IIT मुंबई ने। ब्रिटेन ने किसे अपना पीपल्स एडवोकेट नामित किया है, तो डेविड एटनबरो को किया है। किसको किया है ब्रिटेन ने अपना पीपल्स एडवोकेट? डेविड एटनबरो को किया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर दूरदर्शन के DD बिहार चैनल पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो यूनिसेफ ने की है। यूनिसेफ ने DD बिहार चैनल पर के साथ मिलकर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। मैड्रिड ओपन पुरुष एकल 2021 का खिताब किसने जीता है? मैड्रिड ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो उसको जीता है अलेक्जेंडर जोयरेव ने। किस राज्य की कम्युनिस्ट राजनीतिक नेता KR गौरीअम्मा का निधन हो गया है? KR गौरीअम्मा कहाँ की हैं? केरल की हैं। कहाँ की हैं KR गौरीअम्मा? केरल की हैं। तमिलनाडु के किस संस्था ने कोयम्बटूर जिले में ऑक्सीजन पार्क को बीमा बास के साथ डिज़ाइन किया है, तो तमिलनाडु के तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय है, उसने ऑक्सीजन पार्क को बीमा बास के साथ डिज़ाइन किया। वर्ष 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज कौन ने जीता है? दो लोगों ने जीता है मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज, के शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेनर मैन ने। किसने? शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेनर मैन ने। अगला है हौसला हाई रख अभियान किसके द्वारा घोषित किया गया? Red FM। हौसला हाई रख अभियान किसके द्वारा घोषित किया गया? Red FM के द्वारा। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है? राजस्थान के थे जगन्नाथ पहाड़िया। कोविड-19 टेस्ट के लिए RT-PCR तकनीक पर आधारित वेगन टेस्ट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ग्लेनमार्क ने। किसने लॉन्च किया? ग्लेनमार्क ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम क्या है? 11 मई को होता है और इसकी थीम है हम समाधान का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2021 की थीम क्या है? हम समाधान का हिस्सा है। वैक्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया है? न्यूयॉर्क में। वैक्स और स्क्रैच प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया? न्यूयॉर्क में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका से चीता लाया गया जाएगा? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ से लाया जाएगा? कूनो से। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? SAGI-NM को। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से SAGI-NM को सम्मानित किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की FDI या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना आया है? $81.72 बिलियन। कितना आया है? $81.72 बिलियन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। बस 2020-21 सिक्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? जॉर्डन क्लॉक्सन। बस 2020-21 सिक्स मैन ऑफ द ईयर किसे दिया ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? जॉर्डन क्लॉक्सन को। किस देश के अड्डू शहर में एक भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? मालदीव में। कहाँ पे दी है? मालदीव ने। CBI के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? CBI के नए डायरेक्टर बने हैं सुबोध। कौन बने हैं CBI के नए डायरेक्टर? सुबोध कुमार जायसवाल को बने हैं। कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। ये हमारा सेकेंड सेट कम्प्लीट हुआ। अब हम करते हैं थर्ड सेट।
पहला क्वेश्चन है टीडीवी नेशनल अवार्ड 2020 किसने जीता है, तो टीडीवी नेशनल अवार्ड 2020 जीता है ब्रीद अप्लायड ने। किसने जीता? ब्रीद अप्लायड ने टीडीवी नेशनल अवार्ड जीता है। भारत में कोरोना के पहले मरीज कौन है जिन्होंने म्यूटेंट कोविड 19 के विरुद्ध एंटीबॉडी कॉकटेल दी गई है, तो वो है मोहम्मद सिंह। मोहम्मद सिंह है ऐसे पहले मरीज हैं कोरोना के जिन्हें म्यूटेंट कोविड 19 के विरुद्ध एंटीबॉडी कॉकटेल दी गई। ACCR पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? आयुष मंत्रालय की। ACCR पोर्टल किसकी है? आयुष मंत्रालय की पहल है। महिलाओं के घरेलू काम को कम करने हेतु स्मार्ट किचन स्कीम कहाँ शुरू की गई है? केरल में। स्मार्ट किचन स्कीम कहाँ शुरू हुई है? स्मार्ट किचन स्कीम शुरू हुई है केरल में। यूरोपा लीग टाइटल का खिताब किसने जीता है? बिल लॉरियल ने। यूरोपा लीग टाइटल का खिताब किसने जीता है? यूरोपा लीग टाइटल खिताब जीता है बिल लॉरियल ने। रॉ के प्रमुख कौन है? रॉ के प्रमुख है सामंत गोयल। रॉ के प्रमुख कौन है? सामंत गोयल। नॉर्ड लिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत किन दो देशों ने मिलकर की है? नॉर्वे। तो लिंक मतलब जर्मनी, तो नॉर्ड लिंक किसने शुरू की है? जर्मनी ने। नॉर्वे और जर्मनी ने। किस देश की पर्वतारोही सांग इन हिंग ने अब तक के सबसे कम उम्र की समय में हम एवरेस्ट फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये तसांग इन हंग कहाँ की हैं? हांगकांग की हैं और ये सबसे कम उम्र की हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर रखा जाएगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। अगला है IPL के 2021 के शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे? UAE में खेले जाएंगे। किस संस्था ने नैनो यूरिया लॉन्च करने की घोषणा की है? नैनो यूरिया लॉन्च करने की घोषणा की है IFCO ने। किसने? IFCO ने। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? नितिन राकेश और जेरी विंड। कौन है? नितिन राकेश और जेरी विंड है। मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना किस राज्य की पहल है? तो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना है मध्य प्रदेश की पहल है। मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? पूजा रानी ने जीता है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल किसने जीता? पूजा रानी ने। सेंझाउ 12 क्रूड मिशन किस देश का मिशन है? तो सेंझाउ 12 क्रूड मिशन है चीन का। WHO ने कोविड 19 के भारतीय वेरिएंट V.0.617.1 का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है कप्पा। WHO ने कोविड 19 के भारतीय वेरिएंट का नाम क्या रखा है? कप्पा। ग्लोबल 2030 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? दक्षिण कोरिया ने। ग्लोबल गोल्स 2030 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? दक्षिण कोरिया ने की है। तुलसा नरसंहार को 100 वर्ष पूरा हुआ है, यह 1921 में किस देश में घटित हुआ था? तुलसा नरसंहार का 2021 में 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तुलसा नरसंहार अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमण का पहला मामला किस देश में आया है? तो H10N3 जो स्ट्रेन है बर्ड फ्लू का, वो सबसे पहले चीन में आया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बने हैं? माउंट एवरेस्ट की बात चल रही है तो माउंट एवरेस्ट पे कौन बने हैं? झोंग होंग बने हैं। कौन बने हैं? झोंग होंग बने हैं, जो नेत्रहीन पर्वतारोही है। ये आपका तीसरा सेट कंप्लीट हुआ, अब हम चौथा सेट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा और शेयर करते जाइएगा ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो की PDF ताकि इम्पोर्टेंट जो वीडियोज़ हैं वो सब लोगों को मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है पहला चौथे सेट का, रुडोल्फ वी सिंडलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रुडोल्फ वी सिंडलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। रुडोल्फ वी सिंडलर अवार्ड किसको दिया? नागेश्वर रेड्डी को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है सही कौन सा है? तो फंगल इन्फेक्शन है जो एस्परजिलस फंगस से होता है, ये सही है। यह संक्रमण इन दिनों कोविड 19 के रोगियों में देखने को मिला है, ये भी सही है। ये जीवाणु और फंगस दोनों के कारण होता है, ये गलत है। जीवाणु के कारण नहीं होता है, ये केवल फंगल इन्फेक्शन होता है। और ये कौन से फंगस के कारण होता है ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब ये फैल रहा है, एस्परजिलस फंगस के कारण होता है। विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति किस राज्य में की गई है? तो गार्जियन मिनिस्टर की जो नियुक्ति की गई है वो असम में की गई है। असम की कैपिटल दिसपुर है। तो कहाँ पे की गई है गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति? असम में। सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? सीरिया के नए राष्ट्रपति बशर अल असद हुए हैं। सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? बशर अल असद बने हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। याद रखिएगा, अरुण कुमार मिश्रा। 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़ का रिकॉर्ड किसने बनाया है? 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी तोड़ी है गना संतोषनी रेड्डी ने। किसने? गना संतोषनी रेड्डी ने। एक राष्ट्र एक मानक योजना के तहत स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन घोषित होने वाला पहला संस्थान कौन है? तो एक राष्ट्र एक मानक योजना के तहत स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन घोषित होने वाला पहला संस्थान है RDSO। कौन है? RDSO। मुफ्ती फैज़ उल वाहिद का निधन हो गया। इन्होंने कुरान का किस भाषा में अनुवाद किया है? गोजरी भाषा में। फैन देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं, और ये ऐसे ही 25 से 30 सेट हैं। आप ये पूरे कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो है करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। बाकी मैं अलग अलग टॉपिक वाइज करंट पेन लाइनर लेके आ ही रही हूँ, और इसके अगले सेट भी आप बोलेंगे तो वो भी मैं लेके आ जाऊँगी। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड डियोफ है। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड डियोफ है। इसराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसाक हरजोग। इसराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसाक हरजोल बने हैं। किस राज्य में कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की गई? कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की गई है महाराष्ट्र में। इंडियन एयरफोर्स का अगला उपप्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन एयरफोर्स का अगला उपप्रमुख नियुक्त किया है विवेक राम चौधरी को। नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में पहले स्थान पर है केरल। कौन है? SDG इंडिया इंडेक्स रैंकिंग में पहले स्थान पर केरल है। न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? अजीत मिश्रा की। किसकी? अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। मौसम पूर्व अनुमान के लिए फेंजुइन 4B नामक उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो फेंजुइन ये नाम से ही समझ में आता है कि ये चीन का है, तो किसने लॉन्च किया है? चीन ने। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21 में किस संस्थान को पहला स्थान मिला है? तो द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में सिंधुआ विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है। किसको? सिंधुआ को। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मुख्य फोकस क्या है? इकोसिस्टम और रेस्टोरेशन। क्या है? इकोसिस्टम और रेस्टोरेशन। कॉर्बी वैक्सीन के निर्माता कौन सी कंपनी है? तो कॉर्बी वैक्स वैक्सीन की निर्माता कंपनी है बायोलॉजिकल ई। क्या है? बायोलॉजिकल ई। यौन टैप स्कीम विद्यार्थियों की एक स्कीम है जिसे किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने लॉन्च की है? लद्दाख ने। यौन टैप जो स्कीम है उसे किसने लॉन्च की है? लद्दाख ने लॉन्च की है। भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए किससे ट्रेडमार्क मिला है? तो भारत का जो पहला स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन बना है SPAG9, इसके लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया है DVT नेल से। कहाँ से? DVT NII से प्राप्त किया है। याद रखिएगा, जो स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन के लिए किससे ट्रेडमार्क मिला है? DVT NII से मिला है। अब हम हमारा 5वां सेट करने वाले हैं, 4था सेट कम्प्लीट हो गया है। तो 5वां है, 5वें का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय COVID-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम की घोषणा किस देश ने की है? तो अंतर्राष्ट्रीय COVID-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम की घोषणा की है अमेरिका ने। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है? मॉरिशस के। HDFC द्वारा बैंक द्वारा कब तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनी है? 2031-32 तक। HDFC बैंक द्वारा कब तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? 2031-32 तक। सैन्य मामलों के विभाग में नेवी एंड डिफेंस स्टाफ में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सैन्य मामलों के विभाग में नेवी एंड डिफेंस स्टाफ में संयुक्त सचिव नियुक्त किया है रिथर एडमिरल कपिल मोहन हरी को। किसको? रिथर एडमिरल कपिल मोहन हरी को। शेख का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य ने की? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है केरल ने। किसने की है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत केरल ने। चेन्नई स्थित किस जूलॉजिकल पार्क में 9 वर्षीय नीला नामक एक शेरनी की COVID-19 से मृत्यु हो गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी खबरों में भी था कि जानवर की भी मृत्यु हो गई है COVID-19 से। तो ये चेन्नई का जूलॉजिकल पार्क है, इसका नाम है अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। क्या है? अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है। वहाँ पर एक शेरनी की, ये भी पूछ सकते हैं किसकी मृत्यु हुई? तो शेरनी की हुई है। इस शेरनी का नाम क्या है? शेरनी का नाम है नीला। और ये कितने साल की थी? ये 9 वर्ष की शेरनी थी।
देश के पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी के रूप में किसे घोषित करने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है? केवड़िया को। प्राणवायु देवता पेंशन योजना एवं ऑक्सीवन की शुरुआत किस राज्य द्वारा की? तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की। 2025 तक पेट्रोल में एथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? तो रखा गया है 20%। पेट्रोल में जो एथेनॉल मिलाते हैं उसको कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 20%। किस राज्य में 6ठा राष्ट्रीय उद्यान रायमोना और 7वीं राष्ट्रीय उद्यान देहांग पटकाई को घोषित किया है? असम को। मतलब वहाँ पे 6 थे अब तक, 5 थे, तो 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना दिया और 7वां बना दिया। 6ठा कौन सा बनाया? रायमोना। और 7वां कौन सा बनाया है? देहांग। द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग कौन सी? 117वीं। इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट में कौन सी रैंक है? 117वीं। अपने कीमत और आकार के कारण प्रसिद्ध नूरजहां आम किस राज्य में उत्पादित होता है? नूरजहां हमारे मध्य प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। नूरजहां आम कहाँ होता है? हमारे मध्य प्रदेश में। बिम्स्टेक संस्था का 24वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? तो 6 जून को मनाया जाएगा। 6 जून को 24वां स्थापना दिवस बिम्स्टेक मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट को कहाँ से लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट को पुणे से लॉन्च किया है। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? अब्दुल्ला साहिद को चुना है 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में। भारत पे ने किस अवधि तक ICE के साथ पार्टनरशिप का समझौता किया है? 2023 तक। कब तक किया है? 2023 तक के लिए किया है। तुर्की के मारमरा सागर में सीस नॉट बनने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे जो वनस्पति है फाइटोप्लैंकटन आ गई है, तो इसलिए वहाँ पे सीस नॉट बन चुका है। लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चीप उपन्यास पुस्तक की लेखक है वलेरिया लुइसेल्ली। लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चीप की कौन है लेखिका? वलेरिया लुइसेल्ली। किस संस्था ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग के साथ मिलकर बनाया है? तो ये बनाया है पीरामल फाउंडेशन ने। पीरामल फाउंडेशन ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग के तहत बनाया है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमने आपने 5 सेट कंप्लीट किए। 5 हर सेट में 20 क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ये 30 सेट है, 30 सेट में आपको करवा दूंगी। पुरानी कुछ रुकमणी रखी जिसमें आपको पुराने जो है जनवरी फरवरी 2021 दिसंबर और नवंबर अक्टूबर उसके भी जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो भी मैं करा दूंगी। लेकिन आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है कमेंट कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम फेसबुक और इंस्टा से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।